एक ओर पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे का जाल बुना जा रहा है, दुनिया की बेहतरीन सड़कें हमारे पास होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम सड़क हादसों में मौतों के मामले में दुनिया के शीर्ष पर क्यों हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या फिर खुद हम? क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें ओवर स्पीड से होती हैं और मरने वालों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर बेहतरीन सड़कों पर जोश के साथ होश की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और हादसों में मौतें होती हैं। तो ये अमेरिका की सबसे पहले बात करें, जहां पर सड़क हादसे 22,11,439, जिसमें 37,461 मौतें हुई हैं। जापान में अभी तक 4,99,232 सड़क हादसे, जिसमें 4,698 मौतें हुई। भारत में 4,80,652 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 1,50,785 मौतें हुई। जर्मनी में, जहां जर्मनी के आंकड़े हैं, वहीं ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान में 3,05,556 सड़क हादसे हुए हैं, 1,604 लोगों की मौत हुई है। वहीं चीन की बात करें तो 2,12,840 सड़क हादसे हुए, 63,093 लोगों की मौत हुई। इटली में 3,05,556 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3,283 लोगों की मौत हुई। वहीं इधर भारत में हादसों में ज्यादातर मौतें जो कि ओवर स्पीड और बिना हेलमेट की वजह से होती हैं। आपको बताते हैं कि भारत में गत वर्षों में किन कारणों से हादसों में मौतें हुई। तो भारत में मौतों की जो वजह रही ओवर स्पीड से, 2018 और 19 पर हम नजर डालें तो ओवर स्पीड से 2018 में 97,588 मौतें हुई और 2019 में 1,01,723। वहीं बिना हेलमेट की बात करें तो 2018 में 43,614 मौत हुई और 2019 में 44,666 मौत। बिना लाइसेंस की अगर बात करें 2018 में 37,585 और 2019 में 44,358 मौतें हुई। तो ये ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, ये भारत में मौतों की वजह रही हैं और इसके हिसाब से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। वहीं इधर हिट एंड रन के मामलों की बात करें, 2018 में 28,619 मौतें हुई हिट एंड रन में और 2019 में 29,354 मौत। बिना सीट बेल्ट की बात करें, 2018 में 24,435 मौत, 2019 में 20,885। वहीं नशे में ड्राइविंग करते हुए जो हादसे हुए उनमें मौतें हुई 1,188 और 2019 में 5,325 मौत नशे में ड्राइविंग करने के चलते हुई है। तो ये भारत में मौत होने की जो वजह रही है उनके ये आंकड़े हैं 2018 और 19 के। वहीं अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2018 और 2019 में ड्राइविंग के समय हादसे का क्या कारण रहे। तो वजह रही सबसे पहला मोबाइल का यूज। 2018 में 3,707 हादसे हुए मोबाइल को यूज करते हुए, 2019 में 4,945। वहीं सड़क में जो गड्ढे बने होते हैं उनकी वजह से जो हादसे हुए 2018 में वो थे 2015, 2019 में 2,140। वहीं जंपिंग ट्रैफिक लाइट को जंप करते हुए जो हादसे हुए 2018 में उनकी संख्या रही 1,545 और 2019 में संख्या रही 1,797। यानी ड्राइविंग करते वक्त जो लापरवाही बरती गई, मोबाइल यूज किया गया या फिर सड़क के गड्ढे होने की वजह से हादसा हुआ या फिर ट्रैफिक लाइट को जंप करके, तो वो हादसे 2018 और 19 के आंकड़े इस प्रकार हैं। चलिए वही हम आपको बताते हैं कि भारत के किन राज्यों में हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर 22,655 मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में 11,249 मौतें हुई हैं और महाराष्ट्र में 12,788 मौतें हुई हैं। तो सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत वाले ये तीन राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है जहां 22,655 मौतें हुई, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 12,788 मौत, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 11,249 मौतें हुई हैं। चलिए वहीं अब आपको बताते हैं कि वर्षवार जो हादसे हुए हैं उनमें कितने लोगों की जानें बची हैं। तो हादसों में बची जानों की अगर बात करें तो 2019 और 20 में हादसे जो हुए, 19 में हुए 1,23,150, जिसमें 41,032 लोगों की मौत हो गई, 1,27,157 लोग घायल हुए। वहीं इधर 2020 की बात करें तो हादसे हुए टोटल 60,118, जिनमें से 20,732 लोगों की मौत हो गई और 57,755 लोग इसमें घायल हुए। तो हादसों में मौतें कितने लोगों की हुई और घायल कितने लोग हुए, ये उनकी संख्या है।